नहीं टूटता वो, चढ़ो चढ़ो ऊपर चढ़ो, ना तेरी खाया प्यार करना टूट ना जाए, पूरा साफ कर। अगोटर 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 यार, खिड़की तो चढ़वा। एक गया एक गया, ये नया पास बने दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूँ आपका अपना आदर याद, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। रिहान भाई हंस लो भाई, हमारे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ आज वीडियो में ना। वो मुझसे पूछ रहे बार बार के क्यों वीडियो बनाते हो। तो जनाब आज जो है, आज हमारा फ्रंट का जो एलिवेशन है ना, वहाँ पर लग रहा है टाइल। उस दिन हम लोग टाइल लाए थे शबीर की, पहले मैं आपको टाइल दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि टाइल किस तरह की लग रही है और कौन से कलर की लग रही है। बहुत मुश्किल से हमें ये कलर मिला है और काफ़ी मार्केट घूमने के बाद ना हमने ये कलर पसंद किया है। ये टाइल हमने पहले भी एक जगह पे लगाई है एक एलिवेशन पे, तो काफ़ी अच्छी थी। तो इस बार भी हमने यही टाइल लगाने का सोचा है। और दूसरी मार्केट में हम जब गए थे ना, तो हमें अच्छी टाइल मिल भी नहीं रही थी, तो हमने फिर यही टाइल लगाई है। तो आइए दिखाता हूँ मैं आज आपको। तो जनाब ये हमारे एलिवेशन की टाइल है, 12x18 का इसका साइज़ है। अभी 2 दिन पहले हम लोग ये गोली मार से लाए हैं, शब्बीर का ये माल है, ए ग्रेड है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स पर ग्रेड 1 लिखा हुआ है, 12x18 है ये। बॉन्ड से यहाँ पर एलिवेशन की टाइल लगाई जा रही है। बॉन्ड से टाइल इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर पहले कच्चा हो चुका है, यानी कि पहले जब प्लास्टर हुआ तो उसके ऊपर झाड़ू फेर दिया गया है। अब उसके ऊपर बॉन्ड से और सीमेंट मिक्स करके यहाँ पर हमारे मिस्त्री साहब जो है टाइल लगा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये बॉन्ड से बकायदा यहाँ पर टाइल लगाई जा रही है। और यहाँ ब्रांच पर बैठ कर टाइल लगाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बस ये हमारे चाचा की हिम्मत है कि यहाँ पर बैठ के ये हमारा फ्रंट की टाइल लगा रहे हैं। इवन मैं ख़ुद भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ। यहाँ पर टाइल को जो है पहले गीला किया गया है, उसके बाद टाइल के पीछे अच्छी तरह से ये यहाँ पर माल लगाया जा रहा है ताकि टाइल खाली ना रह जाए, अदरवाइज़ टाइल जो है वो गिर जाती है। सेकंड ये कि वो बजना शुरू हो जाती है, यानी कि आप हाथ मारो तो वो बजती है। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये कितनी मुश्किल का काम है। इवन मुझसे ख़ुद भी यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ जा रहा, बस ये हमारे चाचा की हिम्मत है कि यहाँ पर टाइल लगा रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे ख़ुद नहीं मालूम कि मैंने मोबाइल किस तरह से पकड़ा हुआ, मुझे खुद डर लग रहा है यहाँ पर ना। आप हमें बताइएगा कि ये हमारी जो टाइल लग रही है एलिवेशन की, ये टाइल कैसी है? ये क्या है, चीले क्यों आ गई है? कोई गोश्त खिला रहा है। गार्डन सिटी में कोई गोश्त खिला रहा है आज इनको? गार्डन सिटी में आज किसी घर पे गोश्त बना है? ये यहाँ पर माल बनाया गया है और ये इसके अंदर हमने बॉन्ड यूज किया है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि अंदर जो है ना, अंदर प्लास्टर हो रहा है, यानी कि 2 मिस्त्री और अंदर लगे हुए हैं, एक साहब ऊपर लगे हुए हैं हमारे माशाल्लाह से, जो कि बड़े ठेकेदार हैं, यानी कि जो बड़ा जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आगे हमसे लिया है प्लास्टर का, वो ऊपर टाइल लगा रहे हैं। तो 2 दिन हो गए हम लोग टाइल लेकर आ चुके थे, तो बाहर की ब्रांच बंधी हुई है, तो उन्होंने कहा कि टाइल आज लगा देता हूँ। अच्छा बाहर जब टाइल लगाई जाती है तो उसका तरीका ये होता है कि या तो आप फ़ौरन प्लास्टर करो और उसके ऊपर टाइल लगा दो। दूसरा तरीका ये होता है कि जो फ्रंट का एलिवेशन होता है वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें ये करते हैं कि जहाँ टाइल लगानी होती है ना वहाँ पर थोड़ा कच्चा कर देते हैं, यानी कि जब प्लास्टर होता है तो ऊपर झाड़ू फेर देते हैं, और फिर उसके उस पर जब टाइल लगाई जाती है तो वो जो है उसमें बॉन्ड मिलाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि उसमें थोड़ा सा बॉन्ड मिलाया गया और फिर टाइल लगाई जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या प्लास्टर हो रहा है ना, आवाज़ें भी आ रही होंगी आप लोगों को, शोर आ रहा होगा, तो दिखाता हूँ मैं आपको ज़रा। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अंदर क्या प्लास्टर हो रहा है यहाँ पर।
यहाँ पर जो है ये ऊपर का फ्लोर है, यहाँ हमारे खालिद भाई और इमरान भाई प्लास्टर करने में लगे हुए हैं, और इन साहब ने गाने भी चलाए हुए हैं निशान रोकड़ी के। या तो आज मेरा कॉपीराइट आ जाना है, क्योंकि गानों के बगैर तो यहाँ पर काम ही नहीं होते, सब लोग गाने चलाकर काम करते हैं यहाँ पर। तो जनाब हमारा काम माशाल्लाह से तेज़ी से जारी है, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, नहीं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 3 महीने से 3.5 महीने में इस मकान को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बंदे माशाल्लाह से बहुत लगे हुए हैं, तो काम और फास्ट हो गया, यानी कि डबल काम हो रहा है। तो फिर भी हम आपको विज़िट करवाएंगे कि ये मकान अंदर से किस तरह का बना हुआ है, और क्योंकि हम लोग इसको नीचे से दिखा रहे हैं आपको ये मकान किस तरह से बनता हुआ आ रहा है। जब आप गाने चला रहे हो ना निशान रोकड़ी के, इसमें कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। तो जनाब जब ये मकान रेडी होगा तब भी हम आपको दिखाएंगे ये मकान अंदर से किस तरह का बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये मकान ख़रीदने आओ, आप ऐसे भी आ सकते हो देखने, हमारी तरफ से आपको इजाज़त होगी इंशाल्लाह। और ये मकान फॉर सेल के लिए बनाया जा रहा है। आजकल इसकी डिमांड, आजकल के प्लॉट के हिसाब से आजकल हमने इसकी डिमांड रखी है 2 करोड़ 40 लाख डिमांड है ये इसकी। तो देखते हैं आज शाम तक कितना काम खींचा जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ये सामने आप यहाँ पर पाइप देख सकते हैं, तार यहाँ पर नीचे आ रही है, अभी जो है हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब आने हैं, वो यहाँ पर पाइपिंग करेंगे और इसको भी सेट करेंगे। ये मेन पैनल बॉक्स है, यहाँ से आप पूरे घर की लाइट ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो जनाब अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, यानी कि खाने का टाइम हो रहा है, घर पे सुना है कि टिंडे बने हुए हैं, और मुझे तो पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मैं हो सकता है घर ना जाऊँ अभी खाना खाने, ना यहीं पर कुछ मंगवाया जाए, या फिर रात में, रात में तो खैर जिंगर ही चलेगा, क्योंकि मैं तो नहीं खा सकता वो टिंडे ना, ये चीज़ है, जब भी वो ये चीज़ें पकती है तो मैं तो पता होता है मेरा कि मेरी रोटी नहीं पकानी आज ना, मतलब मेरी रोटी नहीं बनानी। ये पीछे आज माशाल्लाह से काम तेज़ी से जारी है। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब सत्तार भाई यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे वायरिंग का थोड़ा बहुत काम बाकी था, तो अभी ये डिस्कस कर रहे हैं सत्तार भाई और तनवीर भाई दोनों मिलकर। ये आप हमारा साइड का कॉर्नर का एलिवेशन देख सकते हैं, यहाँ पर टाइल लग चुकी है, और ऊपर जो 2 इंच का ब्लॉक रह गया था उसका भी डिज़ाइन बनाया जा चुका है, और छज्जे भी प्लास्टर कर दिए गए हैं, 2 छज्जे प्लास्टर हो चुके हैं यहाँ पर। ये हमारे चाचा आशिक सुबह इन्होंने ऊपर वाले छज्जे पर टाइल लगाई है, 2 इंच के ब्लॉक पर प्लास्टर किए, अब ये यहाँ पर जो एलिवेशन में डंडा दिया गया है ये इसको प्लास्टर कर रहे हैं। ये हमारे अभी इलेक्ट्रिशियन साहब आ चुके हैं, और ये अभी हथौड़ियाँ चलाना शुरू हो गई, अभी मैं इनकी शक्ल दिखाता हूँ, ये कहेंगे मुझे वीडियो में मत आने दो। जी 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 सर देखो ज़रा, ये सारा कचरा मुंह में जा रहा है, आंख में जा रहा है, क्या है? हेलो सेठ, गैंग सेठ, कौन से? गणेश नाई क्या है भाई? नरेश भाई, नरेश भाई गए हैं, और रियान भाई आज आप मुझे YouTube पे देखोगे इंशाल्लाह। शाबाश शाबाश, कटाई करो कटाई करो, ये मिलियन की तारें हैं, अल्लाह माफ़ करे, महंगाई हो गई है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दीवार के ऊपर झाड़ू मारा जा रहा है, क्योंकि ये दीवार पहले प्लास्टर हो चुकी है 1 दिन पहले, और अभी जो इसके बराबर में नई दीवार प्लास्टर की जा रही है, तो यहाँ पर जो है माल गिर गया है। अगर ये हम साफ़ नहीं करेंगे प्रॉपर, तो जब कलर वाला काम करेगा तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यार गना टूट ना जाए, पूरा साफ कर, अगोटर अगोटर अगोटर, यार खिड़की से चढ़वा, ये नया पास बने दे। ये हमारे मिस्त्री साहब सारे कारीगर जो हैं घर जा रहे हैं, तकरीबन 5:30 बज रहे हैं सुबह, माशाल्लाह से ये 8 बजे आ जाते हैं काम करने, और 5:30 बजे छुट्टी करते हैं। हमारे तनवीर भाई जो हैं यहाँ पर कटाई कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत का ये काम है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है पैनल है इसको पूरा पाइपिंग करनी है। अब मैं दिखाता हूँ हमारे
मिस्त्री साहब ने आज क्या कमरे में क्या चीज़ प्लास्टर की है। ये दीवार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ताज़ी दीवार है ये, और इसको इन्होंने आज प्लास्टर किया है। तो जनाब अभी हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है, मिस्त्री साहब जो है वो घर जा चुके हैं। अभी मैं जाता हूँ जरा अपना हुलिया वुलिया ठीक करवाता हूँ। बस एक जी हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब हैं, ये आते 2:30 बजे और तंग कर रहे हैं आप, मतलब छुट्टी का टाइम है और ये मुझे अब बिठा के बैठे हुए यहाँ पर। कोई नहीं, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं आप काम करो फिर जाना, तो ये जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगा इनकी वजह से ना। अभी जैसा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ इलेक्ट्रिशियन साहब नहीं जाते, मैं आपको ज़रा फ्रंट पर दिखा दूँ कि आज क्या काम हो चुका है ना हमारे फ्रंट पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 145 स्क्वायर यार्ड का मकान है और कॉर्नर है, तो इसके साइड में आप लोग देख सकते हैं प्रांच लगी हुई है। 2.5 फीट का छज्जा हमने निकाला है और 2 छज्जे हमारे प्लास्टर हो चुके हैं और ऊपर वाले छज्जे पर टाइल लग चुकी है यहाँ पर, जो कि आज ही टाइल लगाई गई है जब ये, और ये नीचे वाले छज्जे पर भी टाइल लगाई जाएगी। जब ये प्रांच खुल जाएगी तो इंशाल्लाह इसका अलग ही लुक होगा एलिवेशन का। तो जनाब वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमारा इंशाल्लाह जो फ्रंट का एलिवेशन है वो तकरीबन 10 दिन में रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो हम लोग फॉल्सिलिंग स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 3.5 से 4 मंथ में हम लोग ये मकान जो है अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल रेडी कर देंगे ना, फॉर सेल के लिए हम लोग मार्केट में आ जाएंगे, तो तब आप लोग उसका विजिट भी कर सकते हो। अभी मैं आया हूँ 240 स्क्वायर यार्ड की अपनी साइट पर। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी तो खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।